पूरे हिन्दुस्तान के अंदर बदनाम हो रहे हैं कि मुसलमान भीख मांगता है और तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, टोपी लगा रखी, नाटक करते हो, उतारो टोपिया, उतारो सब। देखो ये मुसलमान बन के नाटक कर रहे हैं सारे, एक काम करो पुलिस को लगा धर्म आना चाहिए, तो कोई बात नहीं। इस तरीके से आज सुनो, खड़े रहो तुम, सुना आज से हम नहीं मांगेंगे, आज से करते क्यों तुम नाटक पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में बवाल कर रखा तुम सबने, और मुसलमान का भेष करके मुसलमानों को बदनाम करते हो तुम। आप कभी देखो नहीं मेरे शहर तो आपके चर्चे क्या भी करते, हाथ पानी दाख लाख पानी, तुम्हें इतने हथे कटे हो, इतने शानदार हो, उसके बाद के अंदर तुम ये नाटक कर तो कमा नहीं सकते तुम। अब फिर अगर तुम्हें मांगना हम इनकार करते, अगर तुम हिंदू हिंदू के रूप में आते तो हम आपको इनकार करते, आपको भी देते उनको भी देते, फिर ऐसी क्या तकलीफ थी। क्या मुसलमान बन रहे हो, अब पूरा भेष बना रखा है मुसलमानों का। देखो बहुत जरूरी है, ये आपकी बात सत्य है, हम नात है, हम तो परम्परा। अरे ना तो कोई भी हो भाई साहब, मालिक एक है, अल्लाह एक है, सब कुछ है, तू मांगते हो, मगर तुम ये क्यों नाटक कर रहे थे, ये निकालो गले से गिरिन, या एक तस्वीर निकालो, चलो ये हटाओ तुम्हारा गमछा, नाटक करते हो गोरे, तुम बदनाम करते हो सबको, आईने ऐसा नहीं करेंगे। तुम सीधे भेष के अंदर मांगो, मुसलमानों को बदनाम मत करो, आज के बाद के अंदर अगर इस रूप के अंदर मिली है सीधे कोतवाली में डालूंगा सबको, सब जेल में जाएंगे, जान से मार देना, आप कभी देख लो आपके चक से वो भी काम कर, ये ध्यान कर लेना, आगे नहीं आप बोलो, आज के बाद नहीं करोगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बोले गालिया, आज ही आ गया, करेंगे, आज ही आ गया तू, आज ही पकड़ में आ गया, पूरा नाटक कर रखा तुम सबने, हिंदू मन के कौन इनकार करता, तुम हिंदू मन के मांगो ना, हम इनकार थोड़ी करते हैं, मगर तुम मुसलमानों के भेष के अंदर आते हो, मुसलमानों को बदनाम करते हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आग लग रही है, मुसलमान भिखारी है, तू ऐसी बातें करते हो तुम। अभी तो अभी आप कहते हैं हम तो बाईपास में जाके बस में बैठ के चले जाएंगे, आज के बाद के अंदर ऐसा नाटक कुछ भी नहीं, अगर मिल गए दोबारा तो सबको जेल में डलवाऊंगा, समझ गए, एक बात तो खुदा भी माफ करता है। ये साबिर है ना, तो कहाँ के रहने वाले हो? अटरू के रहने वाले हो, अटरू में खास, अटरू के गांव के, अटरू के भाई, अभी अभी छबड़ा का बता रहे हैं, अब आपकी आईडी निकाल के देखो, अटरू भाई, तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं करे आपसे, तो मुसलमान बन के क्यों मांग रहे हो भीख, आपको मांगना, आप अपने नाम से मांगो, सबको देता ना आदमी, तो मना थोड़ी करता किसी को देने वाले को, नहीं करण नाम है, दोबारा बताओ सही नाम आपका, करण, बाप का नाम महावीर, तुम्हारी मम्मी का नाम कमला, कमला भाई है ना, कौन बिरादरी से हो, कौन बिरादरी से, नाथ है भाई, नाथ हो, आप आईडी बताओ निकाल कर, आईडी करते भाई, झूठ मत बोलो फिर मैं पुलिस को पकड़वा दूंगा आपको, मैं पुलिस बुला लूंगा सीधे, आप आईडी बता दो निकाल के मुझे, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, आप आईडी बता दो, मैं भी पैसे दूंगा आपको, आप मांग रहे हो, अगर आप मांग रहे हो तो कोई परेशानी नहीं हो तुम्हें, लेकिन मुसलमान बन के मत मांगो, नाम क्यों पलट के ऐसे में सीधे पुलिस में दूंगा तो आपकी जमानत भी नहीं होगी, पेट के लिए मांग रहे भाई, मांगो ना, कौन मना कर रहा है, मना कर रहे तुम, देखो ये इसकी आईडी देखिए, इसका नाम है महावीर है ना, करण ने मेरा, हाँ सॉरी करण नाम है, बाप का नाम महावीर है, तरुण कौन है, तरुण मेरा नाम है, तरुण लिख दिया आधार कार्ड में, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है, नाम में गफला, देखो आप ये मुसलमानों का रूप धर के और ये भीख मांग रहे हैं, और कभी कोई गलत काम कर जाए तो फिर नाम मुसलमानों का बदनाम करते हैं, लेकिन हम इनकी क्या जांच पड़ताल नहीं करते, तरुण नाम है दे रहे इसको, जरा इसको देखो आप, तरुण नाम है ये, और मुसलमान बनके साबिर बनके ये जो है भीख मांग रही है, ये गलत बात है, इस काम को मत करो, इसको आईडी को रखो, ये टोपी हटाओ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।